और इसीलिए गुजरात का समाज आज सड़कों पे खड़ा है, आंदोलन कर रहा है, अपनी लड़ाई लड़ रहा है। दो तीन उदाहरण देना चाहता हूं। सरकार का काम रोजगार देने का होता है, मुकाबला हमारा हिंदुस्तान का चीन से है। दुनिया के सबसे बड़े देश है, या रोजगार वहां जाएगा या फिर रोजगार यहां आएगा। ये देखिए, ये प्रेस के सब लोग खड़े हैं, आपके हाथ में कैमरा है, इसके पीछे आप जरा देखिए, क्या इसके पीछे मेड इन चाइना लिखा है या मेड इन गुजरात? जहां भी हम जाते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, शर्ट, पैंट, कैमरा, कंप्यूटर, उसके पीछे लिखा होता है मेड इन चाइना। जब आप सेल्फी लेते हो, हर बार जब आप वो बटन दबाते हो, चीन के किसी युवा को रोजगार मिलता है। हम फोटो लेते हैं, चीन के युवाओं को फायदा होता है। ये हिंदुस्तान की और गुजरात की सच्चाई है। मोदी जी मेक इन इंडिया की बात करते हैं, गुजरात में आज 30 लाख बेरोजगार युवा हैं, 30 लाख। हर रोज हिंदुस्तान में 30,000 नए युवा रोजगार ढूंढने निकलते हैं। मैं बेरोजगारों की बात नहीं कर रहा हूं, 24 घंटे में 30,000 नए युवा निकलते हैं रोजगार ढूंढने। उन युवाओं में हर समाज के लोग होते हैं, दलित होते हैं, आदिवासी होते हैं, पाटीदार होते हैं, ओबीसी होते हैं, हर समाज के लोग होते हैं। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार 30,000 में से 24 घंटे में सिर्फ 450 को रोजगार दे पाती है। अल्पेश जी, आप इनसे कह रहे हो